मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है, तो उसके पीछे आप जिसको कहें, अगर अगर ये अगर आप कहेंगे किन्हीं का बाबा का हाथ हो, चाहे कोई घटना पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग धार्मिक आयोजन न करें, लोग मंदिर नहीं जाएं, लोग मस्जिद नहीं जाएं। तो मक्का मदीना में देखते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ व्यवस्था होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि कहीं पर कुछ भी हो, लोगों को जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की घटना न घटे। आज के कार्यक्रम खास करके जो हमारे कोर वर्कर थे, जो चुनाव में काम कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में जो बूथ स्तर पर लोग काम कर रहे थे, उन लोगों के साथ एक वार्ता हो रहा है, उनका एक धन्यवाद ज्ञापित पार्टी के तरफ से हो रहा है। और आने वाला फिर चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी बात हो रही है और उनको पुनः नई जवाबदेही देने जा रहे हैं। हम लोग इमामगंज चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उनमें उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर विषय पर आज चर्चा परिचर्चा है। और बहुत उन्हीं लोगों को बुलाए हैं जो काम किए हैं बूथ स्तर पर, तो सबकी बातें आ रही है। और हम लोग टारगेट है कि इमामगंज चुनाव जब भी हो, हम लोग पूरे कड़ी मेहनत से चुनाव वहाँ लड़ना है, इसलिए सबको तैयार कर रहे हैं और सबकी बात आ रही है, सबका बात हम लोग नोट कर रहे हैं। उनका कुछ सजेशन भी आ रहा है जिस पर पार्टी गौर करेगी, और उसमें कोई पार्टी के स्तर पर कुछ सुधार की भी ज़रूरत है तो हम सुधार करेंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज का कार्यक्रम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में हम और मजबूत होंगे। लगातार बिहार में पूल हो गए, देखिए मीडिया के द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है बहुत ज़्यादा जोड़ों से, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पुल गिरे हैं, इस बात को भी मैं मानता हूं और इससे सहमत हूं। कुछ तो आपदा के कारण गिरे हैं, आपदा मतलब कि बाढ़ आई है, पानी का बहाव हुआ है, पानी के कटाव से कुछ पुल गिरे हैं। कुछ पुल ऐसे हैं जो प्रशासनिक स्तर पर हम समझते हैं कि कहीं पर लापरवाही हुई होगी, चाहे वो इंजीनियर साइड से किसी के साइड से है। तो सरकार पूरी तरह सजग है और सरकार इसमें छानबीन कर रही है और सरकार ने इंक्वायरी भी सेट की है। और हम समझते हैं कि जो भी लोग अगर प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह की बातें हुई है, तो निश्चित तौर पर जो इसके पीछे होंगे उनको दंडित किया जाएगा। एक हम समझते हैं कि बहुत ही चिंता का विषय है, इस तरह पुल गिर रहे हैं बिहार में। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, इसे सबक लें और सबक ले करके हम लोग कुछ ऐसा नया तकनीक और नई टेक्नोलॉजी ला करके बनाने का काम करें कि इस तरह की जो अप्रिय घटना होती है ना हो, इस पर सरकार विचार कर रही है। यूपी में हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई, या बाबा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं, ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है और हम पूरी संवेदना रखते हैं अपनी पार्टी के तरफ से और अपनी तरफ से उन लोगों के प्रति जो हताहत हुए हैं, जिनकी मौत हुई है इस तरह घटना में। देखिए वो किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लोग आस्था, एक आस्था होता है लोग में किसी के प्रति हो, चाहे किसी धर्म के प्रति हो, किन्हीं बाबा के प्रति हो, उस आस्था के कारण वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे और उस आस्था के कारण वहाँ पर ये घटना नहीं घटा। कहीं पर कुछ लोगों के द्वारा या कुछ लोग ऐसे रूमर फैलाएं, ऐसी कोई भ्रम फैलाया गया, ऐसी कोई बातें हुई जिससे लोग में भगदड़ मच गया और एक दुखद घटना है और अप्रिय घटना है और कोई सुनियोजित तरीके से नहीं है। एकाएक होने वाली घटना है जिस पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी कौन इसके पीछे है, कोई हमको नहीं लगता है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं बाबा, अगर हम किन्हीं को कहीं पर बुलाते हैं और वहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटती है किसी दूसरे कारणों से, तो हम दोषी किसी एक व्यक्ति को नहीं देंगे। ये दोष हम समझते हैं कि लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। ऐसे जगह पर जाएं, चाहे उस तरह का जो कारण घटना घटा है, अगर बहुत सारे संख्या में लोग आ रहे हैं, तो हम समझते हैं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। आप घटना गांधी मैदान की घटना का याद कीजिए कि जब वहाँ सभा हो रहा था और
किसी तरह से बम और चाहे पटाखे की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पर लोग में अगर भगदड़ मच जाता तो बहुत हताहत वहाँ भी होते, लेकिन अब वहाँ गेट बना दिया गया। तो उसी तरह से हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को, जहाँ ये घटना घटी है चाहे कहीं भी ऐसी इस तरह का आयोजन होता है, तो ऐसे जगह पर परमिशन दें जहाँ पर लोग इस तरह के कभी अप्रिय घटना अगर ऐसा ना हो लेकिन ऐसा कुछ हो तो उन लोगों को भागने का जगह हो। हम समझते हैं बहुत संकीर्ण रास्ता था, तो प्रशासन को दोष हम देते हैं, प्रशासन को समझना चाहिए कि कोई भी आदमी हर व्यक्ति के बारे में सबको पता है। हम भी जब कोई कार्यक्रम करते हैं और किन्हीं को बुलाते हैं प्रवचन के लिए सत्संग के लिए, तो हमको पता होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, लेकिन ये घटना अप्रिय घटना जिसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, जिनके हम नहीं सोच सकते हो सकता है, तो ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और इस लापरवाही के पीछे जो भी होगा उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि 121 जिंदगियों का मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। तो उसके पीछे आप जिसको कहें, अगर आप कहेंगे किन्हीं का बाबा का हाथ हो, चाहे कोई घटना पर लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी को, उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग धार्मिक आयोजन न करें, लोग मंदिर नहीं जाए, लोग मस्जिद नहीं जाए। तो मक्का मदीना में देखते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ व्यवस्था होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि कहीं पर कुछ भी हो, लोगों को जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की घटना न घटे।